नमस्कार इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। आज तो वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत होंदिया ही ये वीकेंड लॉकडाउन दुकानदारों ते काफ़ी भारी पिया है। जिकर जो है कि कल पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब विच वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिता सी, जो हफ्ते के आखिरी दो दिन जारी रहेगा, जिस विच शनिचरवार अते एतवार लागू रहेगा, जिस विच दुकाना हफ्ते विच छे दिन ही खुलनगियां, पर शनिचरवार को दुकाना सवेरे 8 बजे तो शाम 5 बजे तक निर्धारित कीतियां गईयां हन। जबकि शराब के ठेके, किराने की दुकाना, सब्जी दी दुकाना, दुध अते मैडिकल स्टोर पूरा हफ्ता ही खुलनगियां, जबकि 7 दिन ही खुलनगियां। उत्थे सरकार ने यह एक जिले तो दूसरे जिले में जाने लई ई पास जरूरी कर दिते हैं, जबकि एमरजेंसी हालातों में दवाई लैन लई कोई पास जरूरी नहीं है। पर उत्थे हुण गल करदे हां, सरकार ने जो आदेश, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वह देर रात देर शाम जारी किया, जिस विच सीधा असर दुकाना नूं झलना पिया है। अज जेकर गुरदासपुर जिले की गल करिए, पूरा गुरदासपुर दीयां सड़कां, बाजार, दुकाना, हर जगह सन्नाटा पिया शाही दे रहा है। ना ही कोई गाहक अते ना ही कोई व्हीकल सड़कां उपर दिखिया, क्योंकि बीते कल लोग इहो ससों पंजे विच सन कि दुकाना खुलनगियां जां नहीं खुलनगियां, किहड़ियां खुलनगियां, किहड़े नियम होणगे, किवें होणगे, करके परेशान रहे। देर शाम नोटिफिकेशन जारी हुंदा है पर लोग समझ नहीं पाए। अज बाजारां विच सन्नाटा छाया पिया है, पर उत्थे ही दुकानदारां नाल जब गलबात की गई तो उह पंजाब सरकार अते जिला प्रशासन का साथ दिंदिया नज़र आए। और नोटिफिकेशन देर शाम जारी होण ते उन्होंने अपना गिला भी जाहिर किया। उत्थे ही तुहानू असीं दसना चाहुंदे हाँ कि जिथे हर दुकानदार मंदी की मार झल रहे हैं, उत्थे ही बेबस भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि छोटिया दुकाना ते लोग अगर चले जाते हैं तो दुकानदार वालों गाहकों नूं वार वार नियमों तो जाणू करवाने के बावजूद भी गाहक नहीं समझते, ते अधिकारी रोजाना दुकानदारों के ही भारी चलान कट रहे हैं, जिस कारण दुकानदार दबदा ही चला जा रहा है, अपना पीड़ा, अपना दुखड़ा भी किसी नहीं सुना रहा। पर उत्थे ही दुकानदार वीकेंड लॉकडाउन से पूर्ण तौर पर सरकार अते जिला प्रशासन का साथ देंदे नज़र आ रहे हैं। सुनो दुकानदारों की जुबानी, पर उत्थे ही जिला प्रशासन को भी चाहिए है कि दुकानदारों की पीड़ा समझते हुए चलान घट करने चाहिए हैं। सर, भारत सरकार ने या पंजाब सरकार ने लॉकडाउन का, वीकेंड लॉकडाउन का एक फैसला लिया है, किस तरह देखते हो तुम? चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेवार परसन हो, गुरदासपुर शहरी, एक खास गुरदासपुर शहरी हो, की कहना थोड़ा ये बारे? देखो, जो फैसला सरकार ने लिया है बहुत वधिया, जिदा सरकार करेगी असी उहदे नाल आ। पर एक्चुअली की है, नोटिफिकेशन लेट आती है, थोड़ी वो करके दिक्कत आती है दुकानदारों को, सवेरे पता नहीं लगता की करना की नहीं। एक ही डिमांड कि जी नोटिफिकेशन है थोड़ी अर्ली कर दी जाए, चाहे बंद की होए तो चाहे खुलन की होए, अही पूरा सहयोग करांगे। तो जिमें अज अज कस्टमर जरूर घट है, मतलब बिल्कुल ही नहीं है, तो कह लो घट भी नहीं, लोगों को डाउट है खुला कि नहीं खुला, कहनी नोटिफिकेशन जल्दी होनी चाहिए है। मैं एक दुकानदार के नाते इन्नी गल जरूर कहूँगा। किस तरह देखते हो हाँ बिल्कुल हर एक पक्ष में देखते हुए लिया कि दुकानदार के कोल देखो मुलाजम भी है, उन्होंने उन्होंने पे भी देनी है दुकानदारा ने। गौरमेंट सोचती है कि कोई भुखा ना रहे, हर बंदे इनकम भी चलती रहे, इस करके गौरमेंट ने दुकाना खिलाईया वा, तो असी सहयोग करते हैं, कोई दिक्कत। मैं सैटिस्फाई हाँ जी टोटली, मेरे बाकी दुकानदार भी एग्री ने, कोई दिक्कत नहीं हैगी। जिन्हें साढ़े क्लॉथ मर्चेंट वाले ने सारे कहें असी सरकार के नाल है, जिन्ना हो सकेगा ही सहयोग करांगे, जिन्ने भी व्यापारी। शहर वासियों नूं, खासकर दुकानदार वासियों नूं की तुसीं संदेश देना चाहते हो, जो नियम निर्धारित किए गए हैं जिला प्रशासन या सरकार ने कोरोना की चेन तोड़न वास्ते? देखो, मैं दुकानदारों नूं पहला कहना चाहना कि एक तो जिहड़ा भी कस्टमर आता है, चाहे कोलों फ्री उन्हों मास्क प्रोवाइड करो, जरूर पवाओ। उहदा कारण की है, जे बाय चांस रब ना करे उन्हों कोई प्रॉब्लम है, तुसीं भी रिस्क ते नहीं आओगे, जब तुहानूं कोई प्रॉब्लम है तो वह भी रिस्क ते ना आवे, एक दूजे तो जिहड़ी डिजीज़ की ट्रांसमिशन है वह ना होए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेनटेन करो जिन्ना हो सकता। हाँ, किसी वेले जे कोई प्रॉब्लम आती है किसी कस्टमर नूं, तुसीं बाहर वेट करा लो, अपनी जान नूं रिस्क च ना पाओ। बाकी अपने जिहड़े व्यापारी भरा वा, मेरे दुकानदार आ, सारिआं नूं बेनती करदा, कल्ले पैसे दे मगर ना दौड़ो, जान है ते जहान है, सेहत अपनी वेखो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखो, यही मेरी बेनती है। बाकी जिहड़े डी साहब ने 6 दिन किया वह भी बहुत वधिया होया, 3 दिन जिहड़ा रशी हो जाता सी, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई मेनटेनेंस नहीं होंदी,
6 दिन चो प्रोपर हूँ तुम देखो कि कितने कोई रश नहीं है। जिहड़ा कस्टमर है उन्होंने पता जे मैं अज ना चीज़ लै सकिया मैं रश ना जावा मैं कल आ जाऊंगा। ये बहुत वधिया फैसला डीसी साहब का। सरकार ने पंजाब सरकार ने डिसीजन लिया है लॉकडाउन वीकेंड का, किस तरह तुम देखते हो तो किस तरह दुकानदारों को मैनेज करना पैना? जिहड़ा लॉकडाउन का डिसीजन सी सरकार का 6 दिन दुकाना खोलन का वह बहुत वधिया डिसीजन सी। और डिसीजन के नाल मेरा अपनी रिजी राय है और मेरे व्यापारी भरावान की रिजी राय है कि डेली दुकान खुले दौरान जरा सोशल डिस्टेंस है वह जरा कंट्रोल होया, क्योंकि बार बार जरा कस्टमर घरों एक बारी दो बारी तीन बारी हफ्ते जाना पैंता, कभी मनियाई की दुकान खुली होंगी, कभी कपड़े की खुली होंगी, कभी बूटा वाली खुली होंगी सी, उन्होंने बाहर आना पैंता ही। तो हूँ वह उ कस्टमर हफ्ते 3 दिन आ सकता, 6 दिन आ सकता या 3 दिन आता सी। अपनी निजी दुकानदारी होने के नाते जो कस्टमर साढ़े को 3 दिन चाहते हो 6 दिन चाहते हैं ये भार वंडिया गया और सोशल डिस्टेंस रखने के सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कल का डिसीजन लिया हफ्ते के 2 दिन का किस तरह देखते हो खासकर दुकानदारों को 5 बजे तक का टाइम दिया? देखो जिहड़ा कल का डिसीजन है वह थोड़ा जिहा मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसमैनेजमेंट हुई उस कल का डिसीजन दैट इज प्योर राइट कि जी हूँ जी कम्युनिटी जा रहे हैं ट्रांसमिशन हो रही है जी साड़ी COVID-19 एक कोरोना वायरस जी महामारी है वो वास्ते जो डिसीजन दैट इज राइट है पंजाब सरकार का, लेकिन इनू समझ तो समझाने से बड़ा बड़ा फर्क पै गया क्योंकि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कस्टमर भी दुकानदारों भी। मैंने भी कल 100-200 फोन आ गया, रात तक क्लियर नहीं है कि दुकाना खुलियाँ कि नहीं खुलियाँ, लेकिन डीसी साहब की जी नोटिफिकेशन हुई है वो रात 9 बजे तो बाद हुई है, तो 9 बजे तो बाद हर सेलमैन कहना हर कस्टमर तक गल पहुँचनी और बड़ी वही दिक्कत हुई है चीज़ के उपर। अज दुकान खुली कि ना खुली एक बराबर है, पर जान है तो जान है, असी सू अपनी भी जान सेफ्ट है और कस्टमर की भी सूँ जान प्यारी है, अपने सेलमैन की जो मेरे वर्कर ने वो मेरे परिवारिक मैंबर ने उन्हों की प्यारी है। पर सब तो वो जी गल है सरकार वास्ते सरकार जी भी डिसीजन लेना है वो एक क्लीयर और साफ लेना चाहिए और मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। सर ये तो अभी सरकार के तौर पर कल किसी एक शहर के जिम्मेवार पर्सन हो कि शहर वासियों को खासकर अपने दुकानदार साथियों को इस पोजिशन के विच की संदेश देना चाहते हो? दुकानदारां दे मैं सब तो पहला तुहानू कहना चाहना जी असी पोलिटिकल गल करिए अं पहले व्यापारी हैं, असी व्यापार पहले करना पोलिटिकल गल बाद करनी, मैं अं व्यापारी ना खड़े हैं। दुकानदार का जिन्ना नुकसान होया 70-75 दिनों च यह परमात्मा जानता जो दुकानदार जानता दूजा बंदा गल ही कर सकता, क्योंकि हर दुकानदार को अपना ढेडों ने पालना अपने सेलमैन का भी बचाव करना और जी पब्लिक जो गल चलती भी है वो सेवा भी कर रही है, क्योंकि सरकार को चाहिए जरा जरा सरकार की जी मेन रीढ़ हड्डी जी सरकार चलाती है व्यापारी चलाता और व्यापारियों का मेन ख्याल रखा जाए, क्योंकि जे मेरी व्यू लेने हैं परसनल मेरी अपनी विचारधारा जरा व्यापारी जिन्ना कारोबार करता उस हिसाब न रिलीफ मिलनी चाहिए है, भाएं 1% हो भाएं 0.5% हो भाएं 2% हो जिनी उन्नी टर्नओवर हो उस हिसाब से रिलीफ दी जाए, क्योंकि इस माड़ी घड़ी के अपना परिवार अपने जो साथी है मेरे वर्कर और परिवार पाल सकी। सर पंजाब सरकार ने कल का वीकेंड का जरा लॉकडाउन का डिसीजन लिया है कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप में देखते हुए, तुम एक दुकानदार से एक प्रधान होने के नाते इस किस तरह देखते हो इस डिसीजन को, तर्क है उपर? नमस्कार जी, मेरा नाम मनदीप महाजन है, मैं डिस्ट्रिक्ट डैडीमेट यूनियन का प्रधान हाँ गुरदासपुर। मैं समझता कि जिहड़ा सरकार ने डिसीजन लिया है बिल्कुल साढ़े हितों करके लिया है और हानू भी चाहिए कि सरकार नू बिल्कुल कोऑपरेट करिए, ठीक है। ये जे अगर शनि एतवार पहले इन्होंने कहा कि फुली लॉकडाउन देगा, फिर इन्होंने साड़िया दुकाना खोल दी जबकि इन्होंने समा 2 घंटे घटा दिता, पर सू देखना चाहिए कि सू कोई 2 घंटे ना इन्ना कोई फर्क नहीं पै चला, पहले देखो अपनी सेहत जरूरी है, बच्चे जरूरी है, घर जरूरी, परिवार जरूरी है, ठीक है ना। तो उस तो सिर्फ यही है कि इन्हों का सरकार का और प्रशासन का यही पूरा योगदान देिए इस और इन्हों की पूरी मदद करिए कि अही इन्हों पूरे खड़े हैं कि कोई गल ही नहीं है, तो जिदा भी कहोगे जिदा गाइडलाइन आएगी अं उदा ही चलेंगे। सर दुकानदारों को खासकर की अपील करना चाहते हो जो यूनियन के प्रधान होने के नाते कि वह भी सरकार का जो फैसला लै रहे लिया जा रहा है उन्होंने साथ देन के गंभीरता नाल देखन? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिस तरह भी सरकार ने जिस तरह दिशा दिशा अनुसार कहा वा कि असी
सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पा के रखिए, जिहड़ा गाहक आंदा उहनूं पहले सैनिटाइज करवाइए और सारा ही उस मुताबक उही रूल्स मुताबक आपां जे करांगे ते तां ही बचे रहांगे, नहीं तां उह दिन दूर नहीं है कि साडे सारयां नूं इह बीमारी जिहड़ी है कि विचों सारयां नूं लग जाएगी। घाटा तो देखो दीपक जी बहुत ज़्यादा वा, जे अही कही घाटा तो बिजली के बिल आ जिस तरह रेंट आ या होर भी कई साढ़े अपने खर्चे आ EMI है, घाटा तो बहुत ज़्यादा, पर दिक्कत यह वा कि हूँ अपनी सेहत तो वह कुछ नहीं है, ठीक है ना, जे आप उस घाटे न उस घाटे मिलाइए तो हाई अही सोचने वादे चा कि सेहत ठीक है तो हाई अही वादे चा।